आज है 14 फरवरी, हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो इस समय हम काट रहे हैं केक। मैं हूँ सीमा और ये है द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिसका नाम है लव यू जिंदगी विद सीमा। और इस समय बज रहा है रात का 12, जबकि हम रिंगिंग इन का केक काट रहे हैं एनिवर्सरी का। तो आज का व्लॉग है वैलेंटाइंस डे कम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ज़्यादा, और सेलिब्रेशन भी क्या है, एंजॉयमेंट है। तो जा रहे हैं, अब हम लोग निकले हैं, इस समय बजा है 1:30 के करीब हुआ है, तो सुबह से करते करते अब हम लोग निकल पाए हैं घर से। और पहले जा रहे हैं पुराने घर, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ जाएंगे आपको भी साथ लेंगे, घूमते रहेंगे दिन भर। चलो शुरू करें फिर। पहुँच गए हम लोग अपने घर पुराने वाले, और यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे मम्मी पापा के पास, फिर जाएंगे निकलेंगे। थैंक यू। तो हर साल की तरह इस बार भी मम्मी ने टीका किया हम लोग का। एक बड़ा अच्छा लगता है, बड़ों लोगों का आशीर्वाद रहता है, टीका करती हैं और पैसे देती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है बड़ों का साथ। तो यहाँ थोड़ी देर रुक के अब हम लोग निकल लिए हैं, और ये मेरे घर के पास में यहाँ पे खूब सारी फ्लावर शॉप्स हैं। तो आज वैलेंटाइंस डे है तो कितना फ्लावर शॉप पे भीड़ है बिल्कुल, कि खूब ही आज बढ़िया सेल हो जाती है। अच्छा एक बात है, अगर पॉजिटिवली देखें तो इकॉनमी भी बूस्ट होती है इन चीज़ों से। कहीं भी जाने के लिए निकलो और जैम ना मिले तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पूरा आगे तक जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक बिल्कुल ट्रैफिक कंजेशन है। तो खाना कहाँ खाएंगे हम लोग आज? आज दिन का खाना ढाबे में और रात का लैंडमार्क से। अभी हम लोग जा रहे हैं एस्कॉन से जाएंगे बिठूर से जाएंगे मंधना। पहुंच गए हैं अब मेट्रो, इतने दिन हो गए अभी मेट्रो शुरू हुए, लेकिन अभी एक भी दिन हम मेट्रो में बैठे नहीं हैं, तो एक दिन मेट्रो की सवारी भी जरूर करनी है। बड़ा मज़ा आता है मेट्रो, नई जगह शहर में नया शुरू होता है तब, हालांकि जब दिल्ली वगैरह में ज़्यादा चलना पड़ता है मेट्रो में तब तो नहीं मज़ा आता है कि बैठे बैठे थक जाओ, लेकिन अपने शहर में तो एक दिन ज़रूर जाएंगे मेट्रो में कहीं। ऑल्दो अभी ज़्यादा रूट पे शुरू हुई नहीं है मेट्रो, सिर्फ IIT से मोती झील तक के ही रूट पे है, तो वहीं जाएंगे कभी। विद्या रानी कह रही है मैं मुंह छुपाऊंगी, और मैं कह रही हूँ मैं तुमको वीडियो में लूंगी जरूर, तो वो मुंह छुपाए बैठी है पीछे। क्यों कर रही है? कह रही है क्यों कर रही हो ये, हमको तो मजा आ रहा है छेड़ने में। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे हैं सुधांशु महाराज आश्रम, जो कि मंधना में है। यहाँ पे मंदिर है कृष्ण जी का, राधा कृष्ण जी का, लेकिन ज़्यादा तो टूरिस्ट स्पॉट जैसा ही बना हुआ है कि लोग घूमने फिरने ज़्यादा आते हैं, भक्ति भाव से तो कम ही आते हैं यहाँ पे। और बहुत खूबसूरत बना है यहाँ पे, खूब गार्डन वगैरह लॉन बना हुआ है, अच्छा बना है। तो मास्क लगा के तो आए थे, लेकिन चूंकि ओपन एरिया है और कोविड भी कम हो गया है, इसलिए फोटो खिंचाने के लिए मास्क वास्क उतार दिया हमने भी। यहाँ पे गार्डन में ये ऐसे बहुत खूबसूरत टोपियारी बना हुआ है, कॉमन इसको लोग टपोरी भी बोलते हैं, टोपियारी होता है वैसे ये, लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी आर्टिफिशियल बना के, और उसमें भी ये शिव परिवार की मूर्ति बनी हुई है पूरी, तो ये बहुत खूबसूरत बना है ये, और ये काफ़ी बड़ा मूर्ति बनी है, तो ये सब काफ़ी खूबसूरत है। और ये पहाड़ी के अंदर इसमें गुफा भी बनी हुई है, तो उसमें पूरी नव दुर्गे वगैरह सब बना है, उसमें तो नहीं गए हम लोग। और ये बाहर है अर्जुन का रथ, और ये मंदिर ने कार्विंग वगैरह काफ़ी अच्छी करी हुई है, बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है ये। मंदिर के अंदर तो फोटो खींचना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने बाहर से ही थोड़ा सा कार्विंग वगैरह की फ़ोटो लेने की कोशिश करी। बहुत खूबसूरत कार्विंग है ये मार्बल के ऊपर, बहुत सुंदर लगता है, और खूब ही बड़ा सा गेट है। और ये देखिए बाहर भी बहुत खूबसूरत सी कार्विंग करी हुई है यहाँ पे। थोड़ी देर घूम घाम के अब बैठ के यहाँ पे चिल करेंगे धूप में,
बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत दिनों बाद अच्छी धूप मिली है, क्योंकि घर में तो आती नहीं है धूप। तो तीनों लोग बैठ के हम लोग अब थोड़ी देर बातें करेंगे, इन्जॉय करेंगे। लास्ट ईयर एनिवर्सरी पे हम ब्लू बर्ड घूमने गए थे, तो तब तो मेरा बेटा भी था साथ में, लेकिन इस बार वो नहीं है यहाँ पे, तो उसको वीडियो कॉल कर लिया हमने। तुम्हारा वीडियो ले रहे हैं, तुम वो नहीं तो इसलिए तुमको साथ में ले रहे हैं वीडियो में। तो सुधांशु महाराज आश्रम से तो निकल के हम लोग अब वहाँ से निकल लिए हैं, अब कहाँ जाएंगे देखो ये अभी डिसाइडेड नहीं है। वैसे इस्कॉन टेम्पल जाना चाहते थे, बट देखो सोच रहे हैं आज मैगी पॉइंट पे मैगी खा ली जाए, गंगा बैराज पे बहुत सारे मैगी पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग मैगी खाने की सोच रहे हैं कि चलो आज ज़रा मैगी खा लें वहाँ पे। रास्ते में ये मुझे किनारे पॉम्पस ग्रास लगी दिख गई, तो गाड़ी रुकवा के मैंने इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत दिन से चाहिए थी और इकेबाना में फ्लावर अरेंजमेंट के लिए चाहिए थी, लेकिन दूर था मैं नहीं तोड़ पाई उसको, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने आके उसमें हेल्प करी। मेरी ऐसी उल्टी सीधी फरमाइशें पूरी करते रहते हैं हमेशा, तो ये काफ़ी सारी तोड़ के, और कितना अच्छा मेहनत करनी पड़ती है ना घर सजाने के लिए भी, कहाँ कहाँ से चीज़ें मैं इकट्ठा करके लेके आती हूँ। और अब हम पहुँचने वाले हैं गंगा बैराज पर। गंगा बैराज के पास बहुत सारे ऐसे ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मैगी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हस्बैंड और बेटी बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं थे कि मैं यहाँ पे नहीं खाएंगे हम मैगी। फिर जो एकदम लास्ट में जो एक ठेला खड़ा था, तो वहाँ ज़बरदस्ती मैंने रुकवाई, और इन दोनों को नहीं खाना था, तो इसलिए मैंने एक प्लेट, मैंने कहा मैं तो खाऊंगी, तो एक प्लेट मैगी बनवाई वहाँ पे। तो जब मैगी बन के आई, तो उसमें खूब सारा बटर और चटपटा मसाला देख के फिर बाप बेटी दोनों का भी मन हो गया, और फिर हमने वहाँ पे किनारे टेबल पे बैठ के एक ही प्लेट में फिर हमने खा ली मैगी। स्ट्रीट वेंडर्स से मैगी खा के मज़ा आ गया बिल्कुल। कभी कभी बचपना करने में भी बड़ा मज़ा आता है ना, वैसे अदरवाइज तो शायद कभी हम लोग यहाँ पे देखें भी नहीं कि मैगी खा लें यहाँ पे, लेकिन बस आज एंजॉयमेंट के मूड में है, तो बस मैगी वैगी खा ली है बढ़िया सी, और अब आगे देख रहे हैं कि आगे अमरूद मिल रहे हैं अच्छे से, तो अब वहाँ से हम लोग अमरूद खरीदेंगे और फिर चलेंगे नई जगह कहीं। गंगा बैराज पे ये आई लव कानपुर का ये साइन लगा हुआ है, यहाँ पे फोटो खिंचाना चाहते थे लेकिन बहुत भीड़ थी, तो इसलिए फिर ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, और अब यहाँ से हम वापस निकल लिए। अच्छा, जहाँ भी जाओ देखो सब जगह सिर्फ लोग फोटो खिंचाने में ही लगे रहते हैं। सनसेट होने वाला है बिल्कुल, तो अब प्लान में चेंज, अब हम इस्कॉन टेम्पल नहीं जाएंगे, और उसकी जगह अब हम लोग जा रहे हैं मोती झील। मोती झील में वैसे तो कुछ खास है नहीं, लेकिन हमारा गरीब शहर बेचारा, ज़्यादा चीज़ें यहाँ वैसे भी नहीं हैं, तो चलो मोती झील ही घूम के आए। और गंगा नदी के किनारे सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा था। आ चुके हैं मोती झील, यहाँ पे बताशे खाने आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आज बताशे नहीं है, ज़्यादातर मैगी और यही कोकोनट वाटर के ठेले हैं, तो मैगी तो खा के ही आए वहाँ से। तो यहाँ पे एक भेलपूरी वाला है इधर पीछे, तो वहाँ से हम लोग पिछले करीब 27 साल से भेलपूरी खा रहे हैं उस ठेले वाले की, तो आज भी भेलपूरी खाने का मन हो रहा है फिर से, अब भेलपूरी खाएंगे, अब दिन भर ऐसे चटर पटर ही खा रहे हैं आज। ये एक आगे विवेकानंद स्मृतिका करके बना हुआ है, अच्छा बना है, लेकिन अब थक गए हैं इसलिए ज़्यादा जाने का मन नहीं हो रहा है, बस यहीं पे अब हम कार में ही बैठे रहेंगे और यही खाएंगे और चिल करेंगे। तो ये आ गई हमारी भेलपूरी।
बढ़िया चटपटी मजेदार। जाते समय जाम था तो आते समय भी तो जाम मिलना कंपलसरी है। बिल्कुल आगे दूर तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। खैर पहुंचने वाले हैं अब थोड़ी देर में, बस घर के पास ही हैं। फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर उसके बाद फिर निकलेंगे कहीं के लिए। आधे घंटे से हम लोग यहीं इसी जगह फंसे हुए हैं और इतना फ्रस्ट्रेटिंग है ये, थकान भी बिल्कुल और ज़्यादा लगने लग रही है। अब चलो मूव हुए, अब पहुँच जाएंगे जल्दी घर। अब चटर पटर खा के बिल्कुल मौज मस्ती करके अब थोड़ा कुछ फाइन डाइनिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो सब रेडी है, ये आज मैंने वाइट सूट पहना है। इसकी कहानी आपको बताऊंगी बाद में नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए चलते हैं, आज चल रहे हैं हम लोग लैंडमार्क। तो पहुंच गए हम लोग लैंडमार्क होटल। यहाँ पे वाटर साइड रेस्टोरेंट है, उसमें हम लोग डिनर के लिए जाएंगे। और आज यहाँ पे अमित शाह जी आए हुए हैं तो काफ़ी सिक्योरिटी थी, पुलिस वगैरह काफ़ी थी। लैंडमार्क होटल कानपुर का इकलौता 5-स्टार होटल है। तो जो भी बाहर से आते हैं यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग यहीं पे लैंडमार्क में ही रुकते हैं आके। तो हम लोग पहुँच चुके हैं लैंडमार्क वाटर साइड रेस्टोरेंट। 10th फ्लोर पे है ये, बट यहाँ पे अभी 1 आवर की वेटिंग है। इस समय टाइम हो रहा है 10:30, तो हमें 1 आवर मतलब 11:30 तक वेट करना है यहाँ पे। तो बस टाइम पास करेंगे यहीं पे, कहीं खड़े ही रहना है क्योंकि बैठने को कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब फुल है। और बेस्ट टाइम पास तो यही होता है कि फोटोग्राफी करते रहो। तो ये मैंने हाथ फूल पहना था आज इस समय ये, तो मैंने इसकी वीडियो ले लिया। ये मैंने नया लिया है अभी ऑनलाइन, और बस पोज करते रहो, यही होता है टाइम पास के लिए। तो लकीली हमें 1 घंटे से पहले करीब 1.25 घंटा में ही सीट मिल गई। और अब ऑर्डर करेंगे, और बहुत कस के भूख लग रही है बस, क्योंकि दिन भर तो ऐसे चटर पटर में ही दिन बिताया है। तो जल्दी से ऑर्डर करके खाना खाएंगे। और जब खाना आया तो इतनी भूख लग रही थी कि बिल्कुल वीडियो तो लेना छोड़ो, बस बताएगी। लेकिन फोन बज रहा है इस समय रात का, अब हम लोग डिनर करके घर जा रहे हैं वापस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।